इंग्लिश ऑनर्स वाले हर एक कोई आप लोग, हम लोग आज करने वाले हैं भैया बीवीयू का। बीवीयू बीवीयू के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं और जिनका इंग्लिश ऑनर्स पेपर है, उन सभी का अभी एमसीक्यू का हम लोग पीवाईक्यू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में जो पीवाईक्यू होगा वो तीन तीन सेशन, चार का होगा, ठीक है। फोर सेशन का, एक है 15 से 18, फिर 16 से 19, और फिर 17 से 20, और 22 में जो पेपर पूछा है 18 से 22 वाला सेशन में, तो इस सेशन का भी देखेंगे। तो अभी जब देखेंगे तो एज इट इज देखने के लिए मिलेगा कि 2015 का पेपर का जो एमसीक्यू है वो एज इट इज जैसा का तैसा उठा करके किसमें डाला है, 18 से 22 वाले सेशन में। इसीलिए हम लोगों के लिए क्या हो जाता है, पीवाईक्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया। इसीलिए हम लोग पीवाईक्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 5 से 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम सब पहले से ही बना लिए हैं, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ भोंकना है, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेगा अभी, तभी तो पता कर पाओगे अरे हाँ या तो सेम ही क्वेश्चन था। तो ध्यान से सुनना, आर्थर मिलर बॉर्न कब हुए थे, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था, तो 17 अक्टूबर 1915, ठीक है। आई डोंट नीड यू एनी मोर, ये किनके जरिए लिखा गया था, तो ये भी आर्थर मिलर के जरिए ही लिखा गया था, ठीक है। मैरिलियन मॉनरे वॉज मैरिड टू, ये किनसे शादी करती हैं, मैरिलियन मॉनरे, तो ये जो है तीन ठो दो तीन ठो शादी की रहती है, तो ये तीसरा शादी होता है मिलर के साथ, ठीक है। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डस पेरिको ओन, पोरिको जो है वो किस तरीके का बिजनेस किया करता था, ठीक है, किस तरीके का काम करता था, तो ये था बोडेगा। अब दिमाग में आएगा कि ये बोडेगा क्या है, ठीक है, ये दूसरा यहाँ लिखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लीव ऑफ अ ग्रास इज अ पोयम, ठीक है। लीव्स ऑफ अ ग्रास जो है एक पोयम है, किस चीज का पोयम, ऑटोग्राफी एपिक्स एक्स नहीं सर, नेचर से रिलेटेड पोयम है ये, और लिखा कौन है, वर्ल्ड विटवाइन, पोएट का नाम भी साथ में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन, ऑल माई सन वॉज रिटन बाई, ऑल माई सन जो है एक क्या है, ड्रामा है, ये किनके जरिए लिखा गया था, ये भी ऑर्थर मिलर के जरिए लिखा गया था। कब लिखा गया था, तो 1947 में इसे पब्लिश किया गया, और इनके और माना जाता है कि ये जो है वो सबसे सिग्निफिकेंट और फर्स्ट प्ले है ऑर्थर मिलर का ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज वेरी सिमिलर टू, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये इनके जैसे हैं, इनका पूरा नाम रॉबिसन चेफर, ठीक है। हेमिंग्वे वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, हेमिंग्वे को एक नोबेल पुरस्कार, जिसे हम लोग पुलिचर कह रहे थे ना, वो जो प्राइज है वो दिया गया, कब दिया गया, तो 1954 में, किस लिए, तो एक नोबेल के लिए, वो नोबेल क्या था, द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द सन ऑल्सो राइजेज वॉज रिटन बाई, सन ऑल्सो राइजेज ये किसके जरिए लिखा गया था, तो ये भी हेमिंग्वे के जरिए लिखा गया था, कब कौन से ईयर है, तो 1926 में। देखो एक 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 क्वेश्चन के साथ हम थोड़ा एक दो और रिलेट कर करके चल रहे हैं भाई, देख लो, ठीक है। ओल्ड मैन एंड द सी इज अ फेवरेबल एज, ओल्ड मैन एंड सी किसके फेवरेबल या किसके जरा जैसा लगता है, तो ये देखो नॉवेल क्या होता है, नॉवेल मतलब कि एक शॉर्ट स्टोरी होता है ना, शॉर्ट स्टोरी जिसे हम लोग कथा कहानी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इपिक मतलब महाकाव्य हो जाता है, तो एक सिमिलर टाइप फेवरेबल टाइप वाला है ना, तो इसके इपिक के जैसा हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये सेशन है 2016 से लेकर के 19 वाला में, ठीक है। इसमें इसमें देखो एमसीक्यू एमसीक्यू कहाँ गया, व्हाट इज द ग्रास रिटन बाय, कौन लिखा था, डायरेक्ट ही तुम्हारा यूनिट का जो सिलेबस है उससे क्वेश्चन है विटमैन, तो सिलेबस भी पढ़े हो तो बहुत बढ़िया। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डस पेरिको ओन, किस तरीके का बिजनेस करता था, तो बोडेगा। अब बोडेगा क्या है, एक वाइन शॉप्स हो सकता है, छोटा छोटा स्टेशनरी दुकान भी हो सकता है। हु इज डी मैगियो, डी मैगियो कौन था, जब हम समरी बता रहे थे ओल्ड मैन एंड सी, तो उस वक्त इन लोग प्लेयर के बारे में भी बात करता है, जब हार्ट में जाता है तब, तो ये डी मैगियो कौन है, एक बेस प्लेयर है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो कि पब्लिश किया गया था, कब किया गया था, तो 1949 में, 10 फरवरी 1945, 1949 है, 1949 अगर इसको हम लोग डिटेल में देखें तो 10 फरवरी 1949 किनके जरिए किया गया था, तो ऑर्थर मिलर के जरिए, देख रहा है, यूनिट के यूनिट या सिलेबस जो होता है ना, उस सिलेबस से क्वेश्चन आ रहा है, सिलेबस पढ़ो बात कर बन जाएगा तुम्हारा।
हु इज कंपेयर टू क्राइस्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट से किसको कंपेयर किया गया, तो सेंटियागो को। देखो अब बीव्यू का गलती, सेंटियागो का स्पेलिंग गलत है, क्वेश्चन पेपर में सेंटियागो का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो सेंटियागो को किया गया है क्राइस्ट से कंपेयर, ठीक है। कहता है सेंटियागो जो है प्रोटागोनिस्ट था, हीरो था भैया, उस मूवी का मेन रोल में वही था, हेमिंग्वे का फेम जो कि ओल्ड मैन एंड द सी हम लोग देखे उसमें, जिसमें सैम्पलाइज्ड उसको किया जा रहा है किसके साथ, कंपेयर क्राइस्ट के साथ। क्यों? क्योंकि भैया सेंटियागो जो था एक पुअर फिशरमैन था, गरीब फिशरमैन था, मछुआरा था, और जीसस जो है फिशरमैन है, किसका, फिशर ऑफ बोथ का, दोनों ही का, ठीक है। टू सक देयर फेथ व्हेन दे हैड द डाउट एंड द पेन, और वो सबके दुख हरते हैं जब उनमें खुद पे विश्वास नहीं होता है तब। आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स रिटन बाय, ठीक है, आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स रिटन बाय किन के जरिए लिखा गया, तो टी एस एलॉयड, ठीक है। आगे यही चीज है, यही वाला रिपीट हो रहा है, ठीक है। सेंटियागो देखो बताएं, आफ्टर स्ट्रेंज टी एस एलॉयड, और द स्केरेट वुड रिटन बाय, ये भी टी एस एलॉयड, और विली इज कंपेयर टू, यार इसका नहीं मिला हमको भी, कहाँ से पता नहीं। ऑर्थर मिलर वाज बॉर्न, इनका जन्म हुआ तो 17 अक्टूबर 1915, ठीक है। 30 ईयर ओल्ड कार्गो बोट इज टेकन फ्रॉम, किसके जरिए लेगा गया था, टुलिप्स, ठीक है, ये तुम्हारा यूनिट 1 या 2 में था, हाँ। अब 2015 से 2018 तीसरा सेशन का हम लोग चल रहे हैं, दो कर लिए, ये तीसरा सेशन के MCQs देख रहे हैं, ठीक है। द स्केरल्ट लेटर जो है वो क्या है, एक पोयम है, प्ले है, जी सर नॉवेल है, ठीक है। सेक्रेट लेटर इज रिटन बाय नैथनियल होमथॉर्न, हॉथॉर्न, ठीक है, 1850 में। इनको माना जाता है एक मास्टरपीस, मतलब कि ऐसा लिटरेचर जो था क्लासिकल लिटरेचर था ये, ठीक है, कहाँ, अमेरिकन लिटरेचर का, ठीक है, और बड़ा अच्छा मोरल, मतलब नैतिक स्टडी को लेकर के ये बेस्ट था, ठीक है, नैतिक गुण भी देता था, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 में से 15, मतलब कि 15 ठो करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई, स्केरेट लेटर नोबेल हो गया, स्केरेट लेटर रिटन बाय द, ये भी हो गया, नैथनियल होमथॉर्न। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क इज रिटन बाय, जो हिस्ट्री था न्यूयॉर्क का, हिस्ट्री इतिहास, वो किसके जरिए लिखा गया, तो वॉशिंगटन इरविंग के जरिए। पब्लिश कब किया गया था, 1809 में, फिर इससे इसको रिवाइज किया गया 1812, 1819 और 1948 में। हैरी एपे जो एक इज रिटन ऑन, किस पर लिखा गया है, तो ये एक ड्रामा है और 1922 में लिखा, प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 1922 नहीं है, तो अब देख लो भाई क्या मारना है। बियॉन्ड द हॉरिजन इज रिटन बाय, बियॉन्ड द हॉरिजन एक प्ले राइट है जिसको लिखा गया है इजविन ओ नील्स के जरिए, ठीक है। आर्थर मिलर का जन्म, रिपीटेड क्वेश्चन, 17 अक्टूबर 1915, ठीक है। आर्थर मिलर फर्स्ट प्ले जो देखो, फर्स्ट प्ले द मैन हु हैड ऑल द लक, ठीक है, ये था फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर नहीं है, हम लोग क्या पढ़े हैं, डेथ ऑफ सेल्समैन, तो ये मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज इज रिटन ऑन, ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज ये किन के जरिए लिखा गया है, तो आर्थर मिलर के जरिए। कब लिखा गया, तो 1955 में। विली इज कैरेक्टर ऑफ द प्ले, विली जो है किस कैरेक्टर का प्ले है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन का, मेन तो वही था ना। आर्थर मिलर का डाइड, मतलब वो मरता कब है, तो फरवरी 10, 2005 में, ठीक है। कितने साल के उम्र में, तो 89 ईयर के साल में, ठीक है। ये खत्म हो गया, 3 साल का खत्म। अब आते हैं चौथा सेशन 2022 का, ठीक है। इसी में देखने के लिए मिलेगा पूरा का पूरा रिपीटेड क्वेश्चन, ध्यान से देखना। आर्थर मिलर वॉज बॉर्न इन द ईयर, देख लिए। आई डोंट नीड यू एनी मोर इज रिटन बाय, ये किसके जरिए लिखा गया, तो आर्थर मिलर, ये भी तुम्हारे पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है। कहता है कि 26 प्लेज लिखे हैं, जिसमें से पहला फोकस 1945 में, सेवरल टाइम जाने कलेक्शन शॉर्ट स्टोरी, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी लिखे, जिसका नाम आई डोंट नीड यू एनी मोर 1967 में, 1967 में लिखे, ऑटोबायोग्राफी टाइटल टाइम वेंट्स द लाइफ, ठीक है। तो ये 1967 में इसको लिखा गया। लीव ऑफ अ ग्रास इज पोएम ऑन नेचर, आया ना रिलेटेड। उसके बाद ऑल माई सन्स आर रिटन बाय मिलर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज वेरी सिमिलर टू, देखो है ना रिपीटेड। हेमिंगवे वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज वाला भी अभी हम लोग देखे थे, आ गया ना यार, बहुत
पी वाई क्यू कर लो, सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, सन ऑल्सो राइज रिपीटेड क्वेश्चन, हेमिंगवे अर्नेस्ट हेमिंगवे, ओल्ड सन एंड ओल्ड मैन एंड द सी कैन बी रेफर्ड एज एपिक है, महाकाव्य शॉर्ट एपिक कह सकते हैं, राइट शॉर्ट नॉट। अब ये सर खत्म हो गया एमसीक्यू, ठीक है। अब मिलेंगे सर थोड़े शॉर्ट वाले क्वेश्चन को लेकर के, उसमें भी दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा पी वाई क्यू के साथ मैच करता है, ठीक है। और मे बी इट मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि हम उसके आंसर के साथ आएँ अगर टाइम मेरे पास बचा तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।